अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने शराब पी है? मैं वो कह रहा था, तुम्हारी तो ना शराब, शराब की गंध, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उल्टा मुझे तो रोहन के मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। मौली, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम सीधे बोल सकती हो। किसी अच्छे लड़के पर इस तरह का इल्जाम लगाना ठीक तो नहीं है ना बेटा। पर छोटी माँ, हाँ, पर बयान क्यों झूठ बोलेगा? एक्चुअली गलती बयान की नहीं, मेरी है। उस दिन मैंने गुस्से में बयान को नौकर का बेटा बोल दिया था। शायद यही बात बयान को बुरी लगती। बात बदलो मत। मैंने खुद देखा तुम्हें कि तुम मौली के कमरे में ताक झांक कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ये मौली का वीडियो बना रहा था। एक्चुअली मैं मौली के रूम के दरवाजा बंद कर रहा था, पर वो क्या है ना कि जब मन में हो गंदगी तो आंखों में भी दिख जाती है। तो अब बोलो बयान, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्योंकि तुम्हारा ये गुस्सा और ये तोड़फोड़ करना इस घर के होने वाले दामाद पर सवाल उठाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी वजह से मौली की शादी मुझसे होने देना नहीं चाहते? की शादी मुझसे होने देना नहीं चाहते? तुम बस एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर सबको पता लग जाएगा कि तुम्हारे खून में कितनी सच्चाई है और कितनी शराब। ठाकुर साहब, आपकी लड़की से शादी करने के लिए मेरे लड़के को और कितने टेस्ट देने होंगे? ये जानते हुए भी कि ये पैदा हुई तब इसकी माँ मर गई, ये अपने नवजात भाई को खा गई और पूरा गांव इसे अपशगुन ही कहता है। तब भी मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से कराने के लिए तैयार हो गई। और माफ कीजिए, हम भी वही चाहते हैं। जैसे मौली की सच्चाई सबके सामने है, वैसे ही इस रोहन की सच्चाई भी। हर बात की एक सीमा ओवत है। माफ कीजिएगा छुटकी ठकुराइन, पढ़ाई लिखाई ने इसका दिमाग खराब कर दिया। चलो ठाकुर साहब, ऐसा है कि हम लड़के वाले हैं और आज से पहले लड़के वालों की इतनी बेइज्जती कभी कहीं नहीं हुई होगी। माँ, 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 ये आपने क्या किया? मुझे आप क्यों लेकर आई वहां से? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बताइए तो सही, मैंने गलत कहा? क्या गलत? अरे इससे ज्यादा गलत क्या होगा? जिस बात का हमेशा से डरता वही हुआ। तेरा और मौली का नाम जुड़ने लगा है साथ में, जुड़ने लगा है साथ में। हे भगवान, हम गांव वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हे भगवान,
हे भोलेनाथ माफी। क्या कर रही हैं आप ये? बात सुनिए तो सही। तुम्हारे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। माँ क्या पागल बने हैं? क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो। अरे जिस बच्चे के कारण हम गांव में सर ऊंचा करके घूमते थे आज उसी के कारण हमारा सर नीचा हो गया। अरे तुझे क्या पता, गांव में ना जैसे सिलबट्टे में चट्टी पीसते हैं ना वैसे हमारी इज्जत पीस दी जाएगी। हे भगवान अब हम कैसे दुनिया के सामने मुंह दिखाएंगे? जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा हम आत्महत्या कर ले। इसमें इज्जत और बेइज्जती की बात कहां से आ गई? माँ मौली मेरी बचपन की दोस्त है, माँ मेरी जिम्मेदारी है उसको बर्बाद होने से बचाना। पर बेटा ठाकुर साहब ने तुझे जिम्मेदारी दी है कि तू मौली की शादी कराए, उसकी शादी तोड़ाए नहीं। पर माँ वो लड़का क्या? वो लड़का उस लड़की मौली ने तुझ पे क्या जादू कर दिया बेटा? देख मैं तेरे सामने यहाँ मरने जा रही हूँ और तुझे अभी भी उसी की चिंता लगी हुई है। माँ इससे तो अच्छा है ना हम खुद को बचा भी कर देते हैं। माँ तुम क्या चाहती हो बोलो माँ। गायत्री जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारा मतलब आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन क्या करें वो बेहान। अरे ठाकुर साहब जो बीत गई सो बात गई। इतना बड़ा खुशी का दिन है, दो परिवार एक होने जा रहे हैं। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि सारी गलतफहमी दूर हो गई। गायत्री जी आपका बड़प्पन है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदाई के दिन हम भी अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। बोलो क्या चाहते हो तुम? 25 साल में बेटा तू ये नहीं समझ पाया कि तेरी माँ क्या चाहती है। बेटा तुझे कलेक्टर बनाने का सपना देखा है हमने और तुझे कलेक्टर बनाने के लिए ना हम रात रात भर जागे हैं। तेरा पढ़ाई में मन लगा रहे इसलिए अपने आप को झाड़ू पोछा और बर्तन में कपा दिया है हमने तेरे लिए। बेटा अगर मौली की शादी ठाकुर साहब करना चाहते हैं और वो खुद शादी करना चाहती है तो बीच में क्यों रोड़े अटका रहा है? माँ मैं तो बस अब तू कुछ नहीं करेगा। तू मौली से दूर रहेगा। तेरा नाम मौली के साथ नहीं आना चाहिए। आना चाहिए और अगर ऐसा हुआ ना मैं तेरे सामने यही खुद को भस्म कर लूंगी।